सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, कुछ लोग कहेंगे भगत सिंह, लेकिन नहीं, इन पंक्तियों की रचना इन लोगों ने नहीं की है, ना तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ना ही भगत सिंह ने। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम इन पंक्तियों से इसलिए जुड़ गया है कि जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उन्होंने ये पंक्तियां गाई थी। पूरी कविता इस तरह है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा बातचीत, देखता हूँ मैं उसे तो चुप तेरी महफिल में है। ए शहीद ए मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आसिकी का आज जमघट कूचे एक कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिल में हो जुरू काटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो सोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। हम तो निकले थे घर से बांध कर सिर पे कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मक्तिल में है, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुमू। तूफानों से क्या लड़े जो कश्ती ए साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। लेकिन इन पंक्तियों के लेखक थे बिस्मिल अजीमाबादी। जी हाँ, बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के उर्दू शायर थे और उसकी राजधानी पटना में रहते थे। बिस्मिल अजीमाबादी का जन्म 1901 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1978 में हुई थी पटना शहर में। उन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना नामक देशभक्ति कविता लिखी थी, वो पहली बार उर्दू पत्रिका सबाह में छपी थी। 19 दिसंबर 1927 को जब राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने देश की आज़ादी के लिए चुनौती दी, उन्हें काकोरी हत्याकांड में शामिल होने के लिए अंग्रेज़ों ने फांसी की सजा दी थी, फांसी के वक्त फांसी पर चढ़कर भी अंग्रेज़ों को चुनौती दे रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। तख्त पर खड़े होकर बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाया, और उसके साथ ही उसके बाद ही ये गीत अमर हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 कहानियां। कल एक बार फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव।